हेलो अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ट्राई एंड टेस्ट कर रही थी काफ़ी प्रोडक्ट्स को, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड करूँ। और आपको तो पता है मेरा वीडियो कैसा बोरिंग होता है, ऐसे जो है वो सीरियसली बातें करती हूँ तो कोई देखता ही नहीं है। तो मैंने फिर ये ख्याल ही छोड़ दिया कि मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं, बट पता नहीं मैं कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही थी, ट्राई कर रही थी और मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा अभी ज़रा शेयर कर लेती हूँ लोगों के साथ। अब बाकी लोगों की मर्ज़ी है कोई देखे या ना देखे। अच्छा जी, तो मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं प्योर पोर्स का एक ऑर्गेनिक, क्या कहते हैं, एक तो कैमरा में आ नहीं रहा, अगर ज़्यादा आगे कर दिया तो फिल्टर हट जाएगा तो मेरा चेहरा दिख जाएगा। सो ये जो है ना, ये प्रोडक्ट है, अगर फोकस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे पास। तो ये जो है ना, ये डीओ है, डिओड्रेंट है और ये ऑर्गेनिक डिओड्रेंट है। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं और मैं डिटेल में भी इसकी पैकेजिंग दिखा दूँगी, इसका क्लोजअप और सारा कुछ। तो जी, ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग में एक डिओड्रेंट है। और किस तरह का डिओड्रेंट है, मैंने एक साल हो गया मैंने इसको परचेज किया था और इसको यूज़ करना ज़रा ट्रिकी है। तो जी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खोला है, ये ना इस तरह से ना बंद करो तो लॉक हो जाता है। इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब जो इसकी नई पैकेजिंग आई है, नई तो नहीं, उन्होंने पुरानी रिपीट की है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें जो है ना वो ईज़िली इसका जो कैप है वो खुल जाता है। अब ये जो है ना, ये गत्ते की पैकेजिंग है, ये सारा कुछ जो बना हुआ है ये गत्ते का है और इसमें अंदर ये ऑर्गेनिक डिओड्रेंट है जो ये आपको दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर रब करना है, ठीक है, एरियाज़ पे जहाँ पे आप चाहते हैं कि परस्पायरेशन ना हो और ज़्यादा जो है जहाँ पे पसीना आता है, तो वहाँ पे ये रब किया जाता है। और जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसको निकालने का तरीका ये है कि फिर इसके नीचे से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पुश करना होता है, मैन्युअली पुश करना होता है, फिर ये बाहर आता है। दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट ना। तो इस तरह से जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में मुझे मिला था, इसकी प्राइस थी 1050 रुपीज़ और अभी तक इसकी यही प्राइस है। एक साल हो गया है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसकी जो एक्सपायरी है वो यही है। वगैरह मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इतना अच्छा वर्क करता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और मैं इतनी लकी नहीं थी कि मैंने इसको पहले ख़रीदा होता, काश, जब इसकी प्राइस सिर्फ 350 रुपये थी। सो एनीवेज अब मैं आपको बाकी चीज़ें इसकी डिटेल बता देती हूँ बिना बात को घुमाए हुए। तो इस पे जो चीज़ें लिखी हैं, उसमें लिखा है कि इसमें सारा कुछ हर्बल है, ऑर्गेनिक चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, जैसे बीज वैक्स, बेंटोनाइट क्ले, केओलिन क्ले। और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग सी है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर डाला गया है, इस पे लिखा भी है ऑरेंज फ्लेवर और इस तरह से। और इसमें एक फॉर मैन भी आता है, ओशियन ब्लू कलर का एक उसमें फ्लेवर है। तो ये दो टाइप के डीओ आते हैं और ये प्योर पोर्स एक पेज है ऑनलाइन जिससे मैंने ख़रीदा था। और मुझे लगा कि बस ट्राई करके देखती हूँ, पता नहीं, ऑनलाइन पेजेस तो ऐसे ही होते हैं ना कि इतने रिलायबल नहीं होते, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है ऑनलाइन। तो फिर मैंने वैसे ही ख़रीदा था, लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, यकीन करें मुझे कोई और डिओड्रेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डेली मैं इसको वर्क प्लेस पर जाते हुए यूज़ करती हूँ, दिन में एक ही दफ़ा लगाना होता है और इसका तकरीबन जो असर है वो 10 घंटे तक चलता रहता है। उसके बाद दोबारा से आप अगर बात लें और दोबारा से अगर अप्लाई करना चाहें, यू कैन डू दैट। और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बस इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको बता दूँ, क्रीमी टेक्सचर है और इसको जो है स्किन पे कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं होती है। खुशबू की ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की है और क्या कहते हैं, सॉफ्ट फ्रेगरेंस है इसकी और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और स्किन पे कोई इरिटेशन, कोई रेडनेस कुछ भी नहीं करता, एटलीस्ट मुझे तो इसने कोई रिएक्शन नहीं किया। और टोटली हैंडमेड प्रोडक्ट है और रिलायबल प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से तो ये 100% रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो के परेशान होते हैं बेड ऑर्डर से, परस्पायरेशन की बेड ऑर्डर से। अच्छा, उसके अलावा पैकेजिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि इसकी ये जो पैकेजिंग है ये तो बहुत बुरी थी। अगर ये मैंने यूज़ किया तो इसको जब मैं पूरा अगर इसका ढक्कन बंद कर लूँ तो खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका। तो फिर मैं इसको ना लिड इसका थोड़ा सा यूँ करके प्रोटेक्ट करके इसको रख देती हूँ, तो ये ज़रा मेरे लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि कभी मैंने ट्रैवल करना होता है तो फिर मैं इसका लिड पूरा बंद करके अपने बैग में रखती हूँ और तो फिर खोलना ज़रा मुश्किल है इसका। तो ये जो है ना, ये इसका है। अब जो इसकी पैकेजिंग आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की पैकेजिंग है लेकिन बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। और प्राइस इसकी मैंने आपको बताया 1050 रुपीज़ है, प्लस में डिलीवरी चार्जेस वगैरह इसके लगते हैं। तो पहले ये बहुत सस्ता था लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली ये महंगा हो चुका है। और सेंट इसकी मैंने आपको बता दी कि सिट्रस फ्रूट्स की सेंट है इसकी, हल्की सी और धीमी सी इसकी,
खुशबू है। और मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस प्रोडक्ट के मुतालिक। और भी अच्छा, यहाँ पे ना ये रिव्यू ख़त्म होता है, तो अगर आप वीडियो ख़त्म करके स्किप करना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा मैंने ये बोलना था कि ना और भी मैं बाकी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई करती हूँ, बिकॉज मुझे तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो फिर इसीलिए फिर मुझे लगता है कि मैं चीज़ को अच्छे से रिव्यू कर सकती हूँ, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स में जब कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, और मेरे कहने पे वो चीज़ यूज़ करते हैं तो बाद में कहते हैं कि हाँ तुमने हमें सही चीज़ बताई। तो उससे मुझे ये आइडिया हुआ कि मैं ना रिव्यू वीडियोस बना सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये चैनल भी क्रिएट किया। और रिव्यू वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लोग मेरे देखते भी हैं, बट बात यह है कि अगर जब आप एक नया चैनल शुरू करते हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, चीज़ को अगर रिव्यू करें तो पब्लिक जो है वो कैसे सुनेगी, व्यूअर्स किस तरह से दिलचस्पी से सुनेंगे आपकी बात, वो किस ढंग से कहनी चाहिए, किस तरीके से कहनी चाहिए, वीडियो की फिल्मिंग कैसी होनी चाहिए, एडिटिंग कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा मुझे इतना नहीं था। तो ऑब्वियसली इनिशियली हर कोई जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करके ही बेहतर होता है। तो इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की, वीडियोस बनाने की कोशिश की और वीडियोस की क्वालिटी को बेहतर किया, और अभी तक जो आप देख रहे हैं इतनी मैंने वीडियो की क्वालिटी को बेहतर किया है और अपने बोलने के अंदाज़ को भी इम्प्रूव किया है। तो इस तरह से इस प्रोसेस के दौरान मैंने इनिशियली जो वीडियोस बनाई वो इतनी अच्छी नहीं थी, अपने मार्क नहीं थी, और अभी भी वो मेरे चैनल पे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो पुरानी वीडियोस में आपको दिखेंगी कि पहले इनिशियली जो है मुझे इतना आइडिया नहीं था कैसे बोला जाए, तो इतनी लेंथी वीडियो बन जाती थी और कैसे फिल्म किया जाए। तो पुरानी वीडियोज़ भी मेरी पड़ी हैं, कुछ मैंने डिलीट कर दिया, हटा दी हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी व्हिच आई रिसीव फ्रॉम द पीपल, और कुछ जो है वो पड़ी हैं वो आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये सीखने का एक प्रोसेस होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप गलती करते हो, आप गलती करते हो तो सीखते हो, आप पहले चीज़ को ट्राई करते हो तो आपको करना आती है ऑब्वियसली। तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर कोई भी जो है मेरी पुरानी वीडियो देख ले या कुछ, लेकिन काफ़ी नेगेटिविटी को मैंने फेस किया, काफ़ी लोगों ने बुरे कमेंट्स किए यूट्यूब पे, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो, तो इनिशियली जो है वो वीडियोस की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से और इस तरह से काफ़ी मैंने नेगेटिविटी फेस की, उस वजह से मैंने जो है ना नेगेटिव कमेंट्स देख के और लोगों की बातें सुन के तो फिर मैंने ना वीडियोज़ बनानी छोड़ दी। दैन आफ्टर सम टाइम अभी फिर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो बस मूड पे डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या चाहता है, कभी अच्छा मूड है, कभी मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी नहीं है मुझे सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से, बिकॉज लोग जो है ना वो डिस्करेज बहुत करते हैं भाई। इस तरह के भी बुरे बुरे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि भाई इसके हाथ देखो, इसके हाथ काले हैं, भाई हाँ ठीक है मेरा रंग सांवला है और मुझे उसमें कोई भी शर्म नहीं आती है, अगर मेरे हाथ काले हैं और आपको पता चल रहा है मेरा रंग सांवला है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शर्म नहीं आ रही है दिखाने में कि मेरा रंग कैसा है। तो जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे बार बार डिस्करेज करने के अटैम्प्ट ना करें। तो दूसरी ये बात मुझे ज़्यादा कही जाती है कि आपने फ़िल्टर क्यों लगाया, आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया। चेहरा मैंने अपना इसलिए छुपाया है बिकॉज मैं अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल नहीं हूँ अपना चेहरा पब्लिकली वीडियो पे दिखाने के लिए, आई डोंट फील कंफर्टेबल इन शोइंग माई फेस, तो इट्स ओके अगर मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ, तो फिर मैंने सोचा इस चीज़ को अभी रहने देते हैं, अदरवाइज़ जो है वो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट आई डोंट नो, आई डोंट फील कंफर्टेबल। अच्छा, दूसरा ना काफ़ी लोगों को मेरे एक्सेंट से प्रॉब्लम है, तो जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है वो दैट इज़ नॉट उर्दू, तो इसीलिए जो है ना मेरा जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है। तो उर्दू बोलने का एक्सेंट हर किसी का डिफरेंट होता है, स्पेशली तब जब आप एक अलग लैंग्वेज, आपकी मदर टंग डिफरेंट हो, तो इसलिए जो है वो मेरा एक्सेंट है वो एक पर्टिकुलर एक्सेंट है। अगर किसी को मेरे एक्सेंट से प्रॉब्लम है, किसी को मेरे रिव्यूज़ पसंद नहीं है, किसी को मेरे हाथ काले ज़्यादा लग रहे हैं और उनको दिल नहीं चाह रहा वीडियो देखने का, तो आप ना देखें, इट्स ओके, आप वीडियो को छोड़ दें और आप मेरे चैनल की जान छोड़ दें और कमेंट्स ना करें। तो बस यही कहना था, और ये कि काफ़ी मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और मैं प्लान कर रही हूँ कि उनको रिव्यू करूँ, और अगर आप अप्रिसिएशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो वो जो है एल्गोरिथम में ज़्यादा शो होगी रिव्यू वीडियोज़ के साथ। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको पसंद है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनेस्टली जो है चीज़ को रिव्यू करूँ, ट्राई करूँ और फिर लोगों तक पहुँचाऊँ। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।